अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम यूनिट वन जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 करेंगे। पार्ट 1 है 7x² + 2x - 1 = 0। अब हमने इस इक्वेशन में x² के कोएफिशिएंट 7 से इस सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और हम x वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसा करेंगे। 7x² + 2x - 1 = 0। 7x² / 7, 2x / 7 - 1/7, 0/7। ये 7 से कट गया, ये 7 से कट गया। x² + 2x / 7 - 1/7 इधर प्लस हो जाएगा 1/7। x² + 2x / 7 = 1/7। अब हमने x के कोफिशेंट 2/7 से 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। इसके दो तरीके हैं। अगर x के कोफिशेंट जो भी होगा उससे 2 x की वैल्यू से 2 डिवाइड करना है। इसके दो मेथड हैं, 2/7 × 2 इस तरह, और दूसरा ये है 2/7 × 1/2। 2 से कट गया, 1/7 बाकी बचा। अब हमने 1/7x² दोनों तरफ प्लस कर देने हैं। अच्छा जी, इन 1/7² का मुरब्बा, अच्छा जी 1/7² का मुरब्बा दोनों तरफ जमा किया। 1/7² + 1/7² अच्छा जी, और हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना था जो इसे मुकम्मल मुरब्बा बना दे, जो कि आप देख सकते हैं बन चुका है x + 1/7 = 1/7। अब ये खोल देंगे मुरब्बा, 1 वैसे ही आ जाएगा, 7 49 आ जाएगा। अब एलसीएम लिया, 49 आ गया, एलसीएम को 7 पे डिवाइड किया तो 7 बाकी बचा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 वैसे ही आ गया। 49 को 49 पे डिवाइड करेंगे, 1 बाकी बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 वैसे ही आ जाएगा। x + 1/7 होल का मुरब्बा 7 + 1 = 8 हो जाएगा, 49। अब हमने दोनों तरफ जजर लेना है। जजर मुरब्बा कट गए, x + 1/7 = +/4 / 2/49। x + 1/7 = +/4 का जैसे 2 आ जाएगा, 2 ये वैसे ही आ जाएगा, ये इधर 7 रह गया, 7 बाकी बचा, x + 1/7 इधर आके माइनस हो जाएंगे, -1/7 + -2 √2/7। एलसीएम लिया तो 7 आ गया, 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो एक बाकी बचा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 + -, 7 को 7 पे डिवाइड किया, 1 बाकी बचा, उसे 2 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे ही आ जाएगा 2 = x। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी इसलिए x हमारे पास आ चुका है। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट या हल सेट लिखते हैं। हल सेट और सॉल्यूशन
सेट, सॉल्यूशन सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, माइनस वन प्लस माइनस टू अंडर रूट टू ओवर सेवन। पार्ट टू, ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो कॉमा ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट a को इस सारी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, ए एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस फोर एक्स ओवर a माइनस ए ओवर a इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर a। a से कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स ओवर a वैसे ही आ जाएगा, a ओवर a कट गया, एक बाकी बचा माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स ओवर a माइनस वन इधर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ हमने चलिए इसे हमने मुकम्मल मुरब्बा बनाना है, और मुकम्मल मुरब्बा बनाने के दो तरीके हैं, एक्स के कोफिशेंट फोर ओवर a से टू मल्टीप्लाई करेंगे, वन ओवर फोर ओवर a मल्टीप्लाई टू, टू टू फोर को टू पे डिवाइड किया टू आ गया, टू ओवर a बाकी बचा। ये ऐसा फैक्टर है जो इस सारी रकम को मुकम्मल मुरब्बा बना रहा है, टू ओवर a। अब हम टू ओवर a का मुरब्बा दोनों तरफ में जमा कर देंगे, टू ओवर a का मुरब्बा, ये देखें ये x स्क्वायर और ये है b स्क्वायर, मुकम्मल हो चुका है, ये मुकम्मल मुरब्बा बन चुका है, इसलिए x प्लस टू ओवर a इज इक्वल टू वन प्लस टू का मुरब्बा फोर और a का मुरब्बा a स्क्वायर आ गया। x प्लस टू ओवर a होल का मुरब्बा इज इक्वल टू, अब हमने सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक है a स्क्वायर, जब वन को ए स्केयर से डिवाइड करेंगे तो एक से ए स्केयर बाकी बचा, ए स्केयर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर वैसे ही आ जाएगा, प्लस ए स्केयर को ए स्केयर से डिवाइड करेंगे एक बाकी बचा, एक को चार से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही आ गया, एक्स प्लस टू ओवर ए होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस फोर ओवर ए स्केयर। अब दोनों ग्राफ जज़र लेंगे, जब जज़र लिया तो जज़र और मुरब्बा काट गए, x प्लस टू ओवर a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये याद रखना है यहाँ पे कि x स्क्वायर प्लस फोर इन दोनों में ये दोनों जमा हो रहे हैं, इसलिए हम इसका जज़र ख़त्म नहीं कर सकते, ये ऐसे ही आ जाएगा a स्क्वायर प्लस फोर, a स्क्वायर जज़र और मुरब्बा काट जाएंगे, ये अकेला a बाकी बचा, x प्लस टू ओवर a इधर आके माइनस हो जाएंगे, माइनस टू ओवर a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस फोर अंडर रूट ओवर a, एलसीएम लिया a आ गया, a को a पे डिवाइड किया एक बाकी बचा, a को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस a को a के मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ए को ए पर डिवाइड किया तो एक बाकी बचा, ए को एक्स स्क्वायर प्लस फोर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी वैसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स। हल सेट और सॉल्यूशन सेट, सेट इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर ओवर ए, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हम कर चुके हैं।